40,000 रुपए में माल ले जाओ, किराया मिलेगा। अच्छा, ये ट्रक आपका है किसी और का है? ट्रक वाले को मालिक को मालूम है कि आप ये माल ले जा रहे हो? ट्रक मालिक ने रखवाया या आपने अपने आप रखा? ये माल ट्रक मालिक ने रखवाया या आपने अपने आप रखा था? सिद्धन भाई। सिद्धन भाई कितने चक्कर लगा चुके हो अब तक? पहली बार। कोई NDPS से संबंधित कोई माल बरेली की तरफ जा रही है, उस इनपुट पे उन्होंने थाना बरेली के प्रेमनगर से संपर्क किया और दोनों की ज्वाइंट टीम ने यहाँ हमारे प्रेमनगर में एक जगह लगता है मूर्ति नर्सिंग होम, वहाँ से एक कंसाइनमेंट जो है ट्रक में लदा हुआ था उसको हमने पकड़ा है। उसका मोड़े से प्रारंभ ये था कि नारियल उसमें भरे हुए थे और नारियल के अलावे जो है 2-2 KG के उसमें पैकेट में करके गांजा भरा हुआ था। टोटल जो है लगभग वजन करने के बाद में ये 5 क्विंटल के आसपास गांजा पकड़ा गया है, जिसमें NCB के जो सूचना अधिकारी है उनके द्वारा तहरीर दी गई है थाना प्रेमनगर पे, और उस तहरीर के आधार पे थाना प्रेमनगर पे 678/20 NDPS के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 3 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, ये गांजा बरेली तक किस तरीके से पहुंचा? उसकी कीमत क्या रही है? अभी तक की जो पूछताछ की जा रही है, इस पूछताछ के जो हमें जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर पता लगा है कि ये लोग उड़ीसा से बरेली ला रहे थे सामान, तो उड़ीसा से बरेली लाने के क्रम में जो है यहाँ पे पकड़े गए। इसमें से जो एक व्यक्ति है अंकुर मिश्रा, वो अभी तक की जो जानकारी हमें हासिल हुई है इसे ये पता लगा है कि अलीगढ़ का एक लोधा थाना है, वहाँ से NDPS मामले में ही वांछित है। अन्य साली जो ट्रेल है कि ये कब से ला रहे हैं और किसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक कोई रिजवान नाम का व्यक्ति है उसका भी नाम उसमें आ रहा है कि उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा यहाँ से। अन्य सारी जानकारियाँ भी जो अभी STF के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है कि इसमें आगे का सप्लाई चेन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बारे में अन्य सारी जानकारियाँ भी हासिल की जा रही है। ठीक है।